चॉकलेट्स हमने ले लिए, बाकी वहाँ पे आपको दिखाती हूँ, शायद सो रही होंगी तो उन्हें सरप्राइज ही मिलेगा, बिकॉज जितना भी आपको सिमरन से करती हूँ जितना प्यार मैं सिमरन से करती हूँ उतना ही प्यार भी इसका दीदी से करती हूँ, भारती से भी, मतलब सिमरन फैमिली एंड राशि फैमिली एंड कनिष्ठा फैमिली आर सेम फैमिली। हाँ तो ठीक है, इसका दीदी का बर्थडे है, सामान ले लिया, मिलते हैं घर पे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Muskan Didi, happy birthday to you. Hi guys, full पुच्चा पुच्ची चल रही है। Happy birthday हो गया दीदी का, सिमरन भी मिल गई। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अभी लिस्ट लगाई है, लिस्ट कर कर। गाइज दीदी का बर्थडे हो चुका है, सिमरन तो तैयार हो रही है, मुझे किसी मिल चुकी है सिमरन से, देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं ब्लॉग पे। थोड़ा इस तरफ, हाँ बस यस। गाइज हम बैठ गए हैं पीवीआर में, ये है पीवीआर, ये है सिमरन। ये हमारा पीवीआर, यहाँ हम ऐसे बैठते हैं, ये हमारे बैग्स हैं और इनसे हम चाय पीते हैं। ओके एंड दिखाते हैं आज आपको, मिलते हैं पूरे दिन के हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। चलो हम एक्चुअली, हाँ सिमरन मैं आपको बताना भूल गई, इस गेम इस वीडियो में भी गेम खेल रहे हैं, जितनी बार भी मैं कैमरा खोलूंगी उतनी बार हम दोनों को अपना अपना एक सीक्रेट रिवील करना है। अब वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हो सकता है, एनी सीक्रेट एनी रिवील एनी वियर्ड हैबिट और कुछ भी चलेगा, कि जो शायद तेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ तू करती है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़। ठीक है चलो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कुछ तो ऐसा सबके साथ होता है जो हम करते हैं, ऐसी कोई खास चीज होती है, कुछ तो होता है ऐसा, कुछ ऐसा भी कोई वियर्ड नहीं है, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। कोई भी ऐसा सीक्रेट बताओ जल्दी से, एक रिवील करो, या कोई भी घर से ऐसी कोई बचपन में बात छुपाई हो या स्कूल में डांट पड़ी हो। मैंने पापा पहले ना अपने पैंट में पैसे रखते थे तो वो बाथरूम में लटका देते और मैं चुपके से बाथरूम में जाती थी वॉशरूम के वहाँ, और मैंने एक दिन क्या किया, 500 रुपए का नोट उठा लिया और मैंने अपनी जेब में डाल लिया, और पापा को पता था कि उनके पैंट में 500 रुपए है, तो घर में बात हो गई। अब उस टाइम के जमाने में मैं होंगी शायद 8 या 9 साल की, तो 500 रुपए ज्यादा होते, बहुत ज्यादा होते थे, मतलब हमारे लिए अभी के टाइम पे 2000 रुपए। तो मैंने रख लिया, अब मैं मेरे 2-3 दोस्तों को मैंने बता दिया जो मेरे बिल्डिंग में रहते थे, तो वो लोगों ने बोला ओ यार तूने रख दे पापा, मतलब पैसे वापस रख दे, क्योंकि पापा के तेरे नहीं है। तो मैंने बोला कुछ मत बोलो, मैं तुम लोगों को जाके चॉकलेट खिलाऊंगी। तो उस टाइम पे चॉकलेट ऐसे आते थे जिसके ऊपर व्हाइट कलर के कुछ बने होते थे, डोनाल्ड वाले, तो वो जाके मैं इतने बड़े बेकरी में जाके मैंने उनको दिला दिए, तो घर, और मेरी दिव्या दीदी को भी पता था सिमरन बहुत रिच भाई उस समय। मैं खुश की भाई 500 रुपए मेरे जेब में, मैं बहुत सारी चीजें खा सकती हूँ, क्योंकि तब के टाइम पे 5-5 रुपए में चीजें आती थी। दिला दिए मेरे पैसे, आधे पैसे मेरे पैंट में, और मैंने दिव्या को भी बता दी थी ये चीज़। तो मेरी मम्मी ने, पापा ने बोला कि मेरे पैंट में 500 रुपए थे, कहाँ गए? अब पापा ने मम्मी को पूछा, अब मम्मी को भी नहीं पता कहाँ है, तो मम्मी को थोड़ा शक हुआ मुझ पर कि इतनी सारी चीजें मैं खा रही हूँ, तो मम्मी को थोड़ा शक हुआ, तो मम्मी छत पे ले गई दिव्या को, तो उनने एकदम प्यार से, वो वहाँ पे मतलब उस टाइम पे सबसे लाडली हुई थी, तो दिव्या से पूछा कि क्या ये पैसे कैसे सिमरन लिए समथिंग कुछ ऐसा, तो उसने पहले मना किया कि नहीं मुझे नहीं पता, तो फिर उसको थोड़ा बहलाया फुसलाया कि आप कुछ नहीं बोलेंगे बता दे, तो उसने बता दिया कि सिमरन ने उठाए। एंड इट वॉज दैट मोमेंट व्हेन शी नो दैट शी,
देन तो बस उसके बाद मुझे बहुत सुनाया मेरे मतलब मुंह बोले मामा थे, उनने भी समझाया कि ऐसे ऐसे चलता है, बच्चे उठा लेते हैं। उसके बाद से मैंने चोरी नहीं करी। उसके बाद से तुम कमाते हैं अब तो क्या, अब क्या जरूरत है, अब क्या जरूरत है, अब क्या जरूरत है, अब तो हो गया गाइस। तो ये था सीक्रेट, ये था सीक्रेट। मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। तो गाइस ये था सीक्रेट सिमरन का, बहुत ही अच्छा सीक्रेट था, बेस्ट। मेरा सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ, क्या ही सीक्रेट है, एक मिनट दो मिनट गाइस। मेरी वियर्ड हैबिट है, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट याद आएगा तो अगली क्लिप में बताऊंगी। बट मेरी वियर्ड हैबिट है कि मूंग की दाल होती है येलो वाली, मैं वो ब्रेड से खाती हूँ। पार्ले जी को मैं पानी से खाती हूँ। और कच्ची चीज खाती हूँ मैं बहुत। या ब्रो एक्सक्यूज मी। तो ये हमारी बियर्ड हैबिट और इनका सीक्रेट था। अगली क्लिप में हम नए सीक्रेट और हैबिट के साथ आते हैं, तब तक हमसे जुड़े रहिए, बाय। हर क्लिप में प्यार दिखाई। हाय गाइस, हमको एक बंदे ने और ज्वाइन कर लिया है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। मेरा अकाउंट है, मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। नमस्ते सत श्री अकाल नहीं करना है आपको यहाँ पर। तो ये बैठ गए आकर, पानी पी गए। हमारा खाना रेडी है, हम पहले खाना खाएंगे। चाय हमने बोल दी है, राइस हमने बोल दिए हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं, बाय गाइस। तो अब इनकी चांस है सीक्रेट रिवील करने की, और ये फालतू में हंस रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं हंसती हूँ, ये कैसे हंस सकते हैं, बोलो। चलो कोई भी सीक्रेट या हैबिट इधर देखो, बोला इधर देखो, इधर देखो। छोटा था, तेज, और कितना तेज बोलूं मैं? अब सही है, अब सही है। हाँ, इतना बोलो, आवाज नहीं आती ना व्लॉग में। मैं बहुत छोटा था, ठीक हाँ, है हाँ, और क्या था, एक बारी मैं बहुत छोटा था और मुझे खाने की बहुत आदत है, तो मैं हाथ में बिस्किट लेके, दाल मोट लेके चक्की के पीछे छुप गया। चक्की वो जिसमें आटा हाँ, पीसते हाँ, हैं वो, तो उसके पीछे छुप गया और मैं सो गया वहीं पे। चक्की के पीछे छुप के सो गए छोटे से। और मेरे पूरे पूरा खानदान मुझे ढूंढ रहा है सुबह से लेकर शाम तक, और मैं उठ के आया। क्या कहना चाहेंगे? मैं थी पागल लेकिन इतनी गाइस ये सो गए थे चक्की के पीछे, और फिर ये शाम को उठे और इनके पास फोन भी नहीं था, कोई फोन करके पूछ लेता कि बेटा कहाँ है। वही तो कहते ना, बचपन में फोन भी नहीं था, और मैं खाते खाते सो गया। सिर्फ हमें लगा था सिर्फ हम दोनों पागल है इस दुनिया में, ये भी है। पर ये तो हाय गाइस, आ गए हम बोरिया बिस्तर लेकर वापस। हमारी एक दो वीडियो बन गई है, मेरा फोन उससे मैं चार्ज पे लगा था, इसलिए मैं BTS नहीं ले पाई थी। जो भी ये व्लॉग देख के टेंशन और शिकायत करेगा उसको मैं पहले ही बोलती थी, मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ था इसलिए मैं वो क्लिप नहीं ले पाई थी। ये बात मैंने ओपनली रिवील कर दी। वैसे बैकग्राउंड बहुत अच्छा आया था, सिमरन ये रही, अभिषेक ये रहा। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं तीसरा शूट करने। बहुत काम करते हैं हम, बहुत अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट थिंग इज नथिंग। अभी हम इस क्लिप में कोई सीक्रेट रिवील या कुछ नहीं करने वाले हैं। और जो मेरे गाल है, आपको मेरे गालों पे ये दिख रहा है, ये आर्ट, और जो आर्टिस्ट है वो ये। तो जो ये हुआ है, मैं ऐसे ही घूम रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरी बात नहीं, 100वीं बात ये कि कुछ नहीं, अब हम नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं, बाय गाइस। लाल कपड़ों पे हम वापस आ चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ शूट करने, और अपडेट करती हूँ, BTS लेती हूँ मैं इस बार शूट करने, देन यू गेट टू नो कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, वो ये लोग यहीं पर ही हैं। हाय हे, मेरे दोस्त मिल गए मुझे, कहाँ थे आप लोग? 10 साल बाद मिले यार, मेरा जो सुंदर हो गई हो आप, कितनी बड़ी लग रही हो। बिल्कुल लाल पड़ी गाइस, इसने मेरी लिपस्टिक मिटा दी, लिपस्टिक हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए वो। चलो लेट्स गो। बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है, बहुत मेहनत चल रही है। इतने लोग आ रहे हैं, 5,000 टिकट मिल चुके हैं, नहीं हो पा रही। अगर कोई वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है शूट हो गया। इन वाले कपड़ों में भी इतना हेक्टिक शूट था, पूरा मुंह जल गया था, पूरा फेस वॉश करना पड़ा। अब सही लग रहा है, चेहरे पे जब कुछ नहीं लगा होता है तब अच्छा लगता है। आई डोंट नो मैं कैसी लड़की हूँ, पर चेहरे पे अगर कुछ लगा होता है तो मुझे टेंशन हो जाती है। चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, पानी पियेंगे, एक मिनट नए शूट पर जाएंगे। ओके हाय गाइज, सो आई एम बैक, और क्लिप खोलते हम बात करेंगे
वी आर रिवीलिंग द सीक्रेट्स और वियर्ड हैबिट्स वंस अगेन. तो कम ऑन सिमरन के पास चलते हैं. सिमरन बताओ, इट्स टाइम टू रिवील अ सीक्रेट अगेन. सीक्रेट तो नहीं है बट हाँ वियर्ड हैबिट मैं बता सकती हूँ. थोड़ा तेज बोलो. सीक्रेट तो नहीं है बट मैं वियर्ड हैबिट तो बता सकती हूँ और वो है जो ये क्या है ये मतलब च्युइंगम. हाँ तो मैं इसके साथ कुछ भी खा सकती हूँ. हाँ. इसको एक तरफ रख के यहाँ मैं बिस्किट चाय कॉफी सब खा सकती हूँ. तो ये है मेरी बियर्ड हैबिट. सिमरन च्युइंगम को अंदर निकलेगी भी नहीं और साथ में कुछ खा भी सकती है. यस yes. और मैं मिक्स भी होने नहीं दूंगी. इधर अलग मुंह चल रहा है और इधर अलग मुंह. सिमरन के अंदर से मुंह सेपरेटेड है. ओके गाइस, तो सिमरन की बियर्ड हैबिट इस पता लग गई. मेरी कोई बियर्ड हैबिट या सीक्रेट फॉर मी, और तुम सब चिंगम खा रहे हैं, बाद में बताऊंगी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा गाइस. चलो छोटा मोटा ही ब्लॉग था, आगे जैसे होता है कुछ अपडेट करती हूँ अगर होता है तो, नहीं तो फिर बाद में मिलता है लौटते हैं. हाय गाइस, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. वी हैव पैक्ड अप फ्रॉम द शूट और उसके बाद पैकअप हो चुका है शूट का एंड घर निकल रही हूँ बस अब मैं. और आई होप यू लाइक द वीडियो. मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे रैंडम और स्मॉल ब्लॉग्स डालती रहूँ फ्रीक्वेंटली. एंड थैंक यू सो मच फॉर सम पीपल टू मोटिवेटिंग मी फॉर पोस्टिंग द ब्लॉग्स कंसिस्टेंटली. थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो या मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. देखते हैं कुछ अच्छे चैलेंज या फ्रेंड्स के साथ चैलेंज ब्लॉग के साथ आती हूँ मैं वापस. तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग. वेट, अरे सिमरन एक्सक्यूज मी, एटीट्यूड. बाय गाइस, बाय. इसके जिसने इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो, लाइक कमेंट शेयर करना मत. हाय गाइस, मैं वापस आ गई व्लॉग में. एक्चुअली मैं घर पे आई थी और फिर मैं घर से लौट रही थी तो फिर हम लोग गोलगप्पे खाने आ गए थे. मम्मी 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 मेरी माँ, हम लोग गोलगप्पे खाएंगे. इसके जिसने इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना.